हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथमेटिक्स 23 जुलाई 2022 ये क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनके आंसर क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड इन रूट ऑफ पल्सेस। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो दाल होती है उनके जड़ों में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ राइजोबियम। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है और ये रूट्स के अंदर पाया जाता है, यानी जो दाल होती हैं उनकी जड़ों के अंदर इस टाइप से गांठे होती हैं, तो उनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ हाफ ऑफ अ सर्कल देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें यह पूछा गया है कि कोई सर्कल है, अब उस सर्कल की वहाँ रेडियस गिवन थी कि कैपिटल आर से रेडियस उसकी गिवन है। तो कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चला है और यहाँ तक पहुँच गया, मतलब उसने हाफ सर्कल को कवर कर लिया, तो डिस्टेंस कितना होएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा। तो दोस्तों देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट चला है और जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ तक की दूरी, शॉर्टेस्ट। तो यानी कि ये पॉइंट ए है, ये बी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो ये कितना है, आर प्लस आर, कितना है, आर प्लस आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2r, कितना हो गया 2r। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से ये चला है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा है, तो ये पाथ, ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr, लेकिन इसने आधा ही सर्कल ट्रैवल किया इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पाई आर तो हो जाएगा डिस्टेंस और 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक सटीक जानकारी मिलती है, हम बिना किसी जो है इधर उधर की बातें किए हुए आपको एक स्टिक जानकारी देते हैं, जिनमें जो है जानकारी बिल्कुल सही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक। अब इसमें सिंथेटिक कौन सा है, ऑप्शन आए थे उसमें सिल्क, कॉटन, वूल, नायलॉन। तो इसमें देखिए, सिल्क, कॉटन, वूल, ये सारे कैसे हैं, नेचुरल हैं, जो हैंडमेड है या लैब के अंदर तैयार किया जाता है दैट इज़ नायलॉन। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा नायलॉन, कि नायलॉन इनमें से सिंथेटिक है। विच डिजीज़ इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कि कौन सी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, डिजीज़ कौन सा विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन उसमें थे नाइट ब्लाइंडनेस था, स्कर्वी था, बेरीबेरी था, ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है, तो ये होती है रतौंधी, आँखों में होते हैं ना रतौंधी, कि उसमें दिखना बंद हो जाता है, तो वो ये नाइट ब्लाइंडनेस है इसमें। विच इन विच पार्ट द मॉडिफाइड पार्ट इज़ रूट, आपको ये बताना है कौन से प्लांट के अंदर जो मॉडिफाइड पार्ट है वो रूट है, ठीक है ना, स्टेम ना होकर के क्या है, रूट है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, जैसे पोटैटो दे रखा था, कैरेट दे रखा था, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन थे, चार ऑप्शन मुझे याद नहीं है बट इस टाइप से वो ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होएगा दैट इज़ कैरेट, कि जो कैरेट होती है, गाजर होती है या मूली होती है, जड़ें होती हैं, मॉडिफाइड क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कि जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन था, उसके बाद Al2NO3 के ट्वाइस, ये फॉर्मूला था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फॉर्मूला था AlNO3, ये सिंपल फॉर्मूला था, या AlNO3 के थ्राइस। तो इसमें करेक्ट आंसर है ये, ठीक है ना, जो है AlNO3 के थ्राइस, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। सिंबल ऑफ पोटाशियम, कहता सिंबल ऑफ पोटाशियम क्या है, तो ऑप्शन थे उसके अंदर, पी था, जैसे के था, Li था, Na था, तो पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के से डिनोट करते हैं पोटाशियम को। उसके बाद नॉन पोलुटेंट गैस फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कि नॉन पोलुटेंट यानी जो प्रदूषण नहीं फैलाती है, तो उसमें ऑप्शन थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है ना, मीथेन था, उसके बाद ऑक्सीजन था, तो इस तरीके की उन्होंने गैस दे रखी थी, तो उसमें जो ऑक्सीजन था वो करेक्ट आंसर था, कि ये नॉन पोलुटेंट गैस है। उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोलुटेंट गैसेज, कि पोलुटेंट गैस का कॉम्बिनेशन कौन सा है, मीन्स उसमें दो गैसेज का कॉम्बिनेशन था, तो उनमें पोलुटेंट गैस कौन सी है, तो उसमें एक तो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक आएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, एक था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, एक था नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि इनमें से कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे साथियों कि सैटेलाइट है जैसे, ठीक है ना, सैटेलाइट, उसके बाद कॉमेट है, उसके बाद मिटियोर्स है, और एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड है। बट इस क्वेश्चन में डाउट ये है
कि जैसे है ना कि जो हमारे कॉन्स्टलेशन होते हैं वो हिस्सा नहीं होते हैं सोलर सिस्टम का, तो इसमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये कहीं ना कहीं हिस्सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसमें जो थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इसको करेक्टली नहीं बता पाऊँगा, इसमें डाउट है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।